भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं उन सब की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसके संक्षिप्त परिचय को जान लेते हैं अक्षर ब्रह्म नाम जो योग है योग का है नामक आठवें अध्याय में कुल अट्ठाईस श्लोकों का ही वर्णन किया गया है जिन सभी का की चर्चा आज हम इस व्याख्यान में करेंगे इस अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से निम्न सात प्रश्न पूछे जाते हैं ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत क्या है अधिदैव क्या है अधि यज्ञ कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है तथा अंत काल में जीवात्मा द्वारा आप किस प्रकार जाने जाते हो या पहचाने जाते हो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी नष्ट न होने वाला तत्व ही ब्रह्म है जिसे अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है उसे ही अध्यात्म कहते हैं सृष्टि के व्यापार को ही कर्म कहा जाता है जो नष्ट होने वाला होता है वो अधिभूत कहलाता है जो चेतन पुरुष है वही अधिदेव कहलाता है इस शरीर में रहने वाला पुरुषोत्तम ही अधि यज्ञ यानी कि स्वमेश्वर है और जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए मेरे शरीर का त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त इस अध्याय में उस काल का भी वर्णन किया गया है जिसमें प्राण त्यागने पर साधक का इस पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं होता अर्थात वह आत्मा मुक्त हो जाती है इसके अलावा उस काल का भी वर्णन किया गया है जिसमें देह त्यागने पर मनुष्य फिर से इसी लोक में जन्म लेता है माने जो पुनर्जन्म है वो निश्चय ही होता है अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं होता पहले मुक्तात्मा का वर्णन करते हुए कहा कि जो मनुष्य अग्नि ज्योति शुक्ल पक्ष व उत्तरायण के समय पर अपनी देह त्यागते हैं वैसे भी ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता जबकि जो मनुष्य धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष व दक्षिणायन के समय पर अपने देह को त्यागते हैं वह मनुष्य मुक्त नहीं हो पाते वह फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो क्या केवल कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में ही जो देह त्यागते हैं वो कृष्ण पक्ष वाले मुक्त नहीं होते और जो शुक्ल पक्ष वाले जितने भी लोग हैं क्या वो मुक्त हो जाते हैं क्या दिन के समय पे शरीर का त्याग करने वाले मुक्त होते रात्रि को देह का त्याग करने वाले मुक्त नहीं होते क्या तो इन सभी चीज़ों का विस्तार से वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे तो सबसे पहला जो श्लोक है अर्जुन उवाच अर्जुन के साथ प्रश्न के साथ ये शुरू होता है कहता हैं कि तद्रह किम्यात्म किम, तद किम, किम पुरुषोत्तम अधिभूत च कि प्रोक्तम अधीदे, अधिदेव को अत्रम कथम अस्मिन मधुसूदन प्रायाण काले चथम जेयोसी मतभी अर्थात अर्जुन उच अर्जुन बोले पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम का अर्थ हुआ जो सभी पुरुषों में सबसे उत्तम है जैसे परमात्मा का ना जो परमात्मा है वो उसको पुरुष विशेष कहा है पुरुष किसको कहा है आत्मा को आत्माओं में सबसे विशेष जो है वो परमात्मा है यानी कि ईश्वर उसको हम कहते हैं पुरुष विशेष उसको कहते हैं जो पुरुषोत्तम है जो सभी पुरुषों में उत्तम है तो वही बात है पुरुष मतलब आत्मा और आत्मा में जो सबसे उत्तम है वो पुरुषोत्तम कहलाएगा तत् वह ब्रह्म किम ब्रह्म क्या है अध्यात्म किम अध्यात्म क्या है कर्म किम कर्म क्या है अधिभूत चे प्रोक्तम। अधिभूत किसे कहते हैं अधिदेव किम उच्यते अधिदेव किसे कहते हैं मधुसूदन हे मधुसूदन इस अत्र इस शरीर में अधियज्ञ कम कौन है अस्विन अधियज् देहे इस शरीर में कथम कहाँ पर स्थित है प्रयाण काले और मृत्यु के समय में नित्या नित्याम भी जानी व्यक्तियों द्वारा कथम किस प्रकार असी आप कैसे जाने जाते हो मतलब आपको किस प्रकार जाना जा सकता है ये सवाल यहाँ पे किए गए इनकी व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं तो अर्जुन कहता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हे पुरुषोत्तम पर ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत किसे कहते हैं अधिदेव किसे कहते हैं हे मधुसूदन यह अधि यज्ञ कौन है और इस मानव शरीर में कहाँ पर रहता है और अंत काल अर्थात मृत्यु के समय में ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा आप कैसे जाने जाते हो यह सवाल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे और इन सभी सवालों का जवाब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में देते हैं अगले जो श्लोक हैं उनमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भाव अद्वकरो विसर्ग है कर्म संजित है अधिभूतम शरो भाव पुरुषो पुरुषोत्र अधिदेवतम अधि अधियज्जो अहमेत्र देहे देह, देह भ्रता वर अंत काले च मामेन मामेव समर मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति च मद भाव याति नास्त्रेन संचय यम यम वापी वापि स्मरम क्लेवरम तम तमेवती कौनते सदा तद भाव है। परम, अक्षर, परम अविनाशी ही ब्रह्म है स्वभाव प्राणी का मूल स्वभाव ही मुच्यते उसका अध्यात्म कहलाता है भूत भाव उद्भरकर सभी प्राणियों की उत्पत्ति उनकी पुष्टि करने वाला विसर्ग सृष्टि कर्म संजित कर्म के नाम से जाने जाते हैं देह भूता भूताम वर हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन शरभाव जो नाशवान अर्थात जो नष्ट होने वाला है वो अधिभूत कहलाता है पुरुष अधिदेव और पुरुष ही अधिदेव है अत्र देह इस शरीर में अहम मैं ही अर्थात अधियज्ञ हूँ अधियज्ञ के रूप में विद्यमान हूँ अंत काले और मृत्यु के समय पर यम जो मामेव स्मरण मेरा ही स्मरण करता है कलेवरम इस शरीर से मुक्तवा मुक्त होकर प्रयाति प्रयाण अर्थात प्रस्थान करता है स वह मदभाव याति मुझे ही प्राप्त करता है अत्र इस बारे में संशय अस्ति किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है ये सात सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद एक कहा हे कुंती पुत्र अंत है मृत्यु के समय यम वापी भाव वह जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए कलेवरम शरीर का त्याग तजत त्याग करता है सदा वह सदा तदभाव तदभाव भावित है उसी भाव में मग्न रहने के कारण तम तम एवं उस उस भाव को ही एति प्राप्त करता है सभी सवालों के जवाब दिए गए क्रमश है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी नष्ट न होने वाला सबसे उत्कृष्ट अक्षर अर्थात अविनाशी ही ब्रह्म है इस अध्याय का नाम भी अक्षर ब्रह्म योग है अक्षर को यदि तोड़ करके हम देखें संधि विच्छेद करके हम देखें तो ए और शर दो शब्दों के मेल से बना है शर का अर्थ होता है जो जिसका जो नष्ट होता है जो नाशवान है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको शर कहते हैं अक्षर किसे कहेंगे अक्षर कहेंगे जिसका कभी नाश ना हो और जिसका नाश नहीं होता वो क्या होता है अविनाशी। जो कभी नष्ट नहीं होता कभी टूटता नहीं है कभी बिखरता नहीं है कभी समाप्त नहीं होता है उसको हम अक्षर कहते हैं तो ऐसी कौन सी ए, क्या है यहाँ पे हमारे इस पूरे संसार में पृथ्वी पे ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं होती वो केवल एक है और वो है ईश्वर तो अक्षर जो कहा गया है ब्रह्म अक्षर जो ब्रह्म है वो ही ब्रह्म है अविनाशी है क्योंकि परमात्मा ही सनातन है परमात्मा ही सभी गुरुओं का गुरु है काल के बंधन में कभी भी परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता इसलिए कहा अक्षर अर्थात अविनाशी ही ब्रह्म यानी कि जिसका कभी नाश ना हो जो कभी नष्ट ना हो वही ब्रह्म है प्राणियों का मूल स्वभाव ही उनका अध्यात्म कहलाता है अब इसको कैसे जस्टिफाई करें कि इस प्रकार कैसे मूल स्वभाव उसका कैसे अध्यात्म कहलाएगा हम प्राय अध्यात्म किसे समझते हैं ये थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है अपने अपने पंथ के अनुसार जो व्यक्ति गरीब लोगों का भला करता है गरीब लोगों को किसी को खाना दे रहा है कोई किसी को कपड़े दे रहा है वो अध्यात्म कहेंगे क्या कोई व्यक्ति किसी को पढ़ा रहा है वो अध्यात्म कहेंगे क्या कोई व्यक्ति किसी तरह भी किसी समाज की सेवा कर रहा है वो अध्यात्म कहेंगे क्या जो सुबह शाम परमात्मा का भजन करता है उसको आध्यात्मिक कहेंगे क्या आध्यात्मिक कहेंगे किसे हम सामान्यतः कोई भी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता सबसे प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तो प्राय सब लोग उसको कहते हैं भला व्यक्ति है या कहेंगे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है पूजा पाठ में लीन रहता है अपने आराधना करता है पूजा करता है उसको हम कहेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति है कोई व्यक्ति किसी तरह का धर्म कर्म कर रहा है कोई भंडारा किसी ने लगाया है गरीब लोगों की मदद कर रहा है हम कहेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति है तो यहाँ पे दूसरी बात कही गई कि प्राणियों का जो मूल स्वभाव है वही उनका अध्यात्म है तो मूल स्वभाव कहाँ से स्वभाव कहाँ से पैदा होता है तीन प्रमुख गुण है सात्विक राजसिक तामसिक इन तीन गुणों के चलते ही हमारा जो स्वभाव है वो तय होता है अब क्या कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है कर्मकांड करता है और अच्छा लोगों की भलाई के काम करता है क्या वो तामसिक गुण से प्रभावित नहीं होता कभी क्या उसमें कभी रजोगुण की मात्रा नहीं आती क्या क्या वो हमेशा ऐसा करता है क्या हमेशा जो लोग गलत काम करते हैं लोगों को आहित करते हैं क्या वो कभी भी किसी का भला नहीं करते क्या करते हैं कुछ समय पे? अध्यात्म ऐसे डिसाइड होगा मान लीजिए कोई सतगुण है सतगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा सबकी भलाई के काम करेगा सबके पीस के लिए काम करेगा सबकी अच्छे नेक इरादे से काम करेगा यदि कोई रजोगुण में पूरा तरह से परिपूर्ण प्रि, है वो व्यक्ति हमेशा चंचल रहेगा उसके स्वभाव में ही चंचलता रहेगी और उसका वो स्वाभाविक कर्म है वो एक जगह नहीं टिक पाएगा उसको कहीं ना कहीं काम चाहिए ये चाहिए इस तरह से जल्दी सही गलत उनका भेद नहीं कर पाता और वो इस तरह के कामों में परिवर्तित है हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत चंचल होते हैं स्पीड में काम करते हैं खाना खाएंगे तो स्पीड में खाएंगे गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड में चलाएंगे बातचीत करेंगे तो स्पीड में करेंगे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते उनको कुछ ना कुछ चंचलता चाहिए होती है कुछ व्यक्ति होते हैं तो वो उनसे प्रभावित होते हैं ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं वो आलस्य निद्रा तंद्रा दूसरों का आहित करना दुष्कर कार्य करना दूसरों को हानि पहुँचाना पीड़ा पहुँचाना चोट पहुंचाना है किसी को वो इस तरह के काम करते हैं तो क्या तामसिक सात्विक और राजसिक इस प्रकार हम लोगों की कैटेगरी को अलग अलग कर सकते हैं क्या यदि हम इस प्रकार देखें कि आध्यात्मिक व्यक्ति यदि गुणों से बनता है तो एक व्यक्ति में ही तीनों गुणों की मात्रा ऊपर नीचे होती है फ्लक्चुएट होती है मान लीजिए कोई व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है जब वो रात को सो रहा तो उसमें तामसिक प्रवृत्ति है तमस गुण के कारण ही व्यक्ति सो पाता है या वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है जो ए, एक्टिव मोड का काम है उसमें रज गुण की मात्रा नहीं बढ़ेगी तब तक वो रजगुण उसमें कोई भी काम है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता तो कोई भी जो काम है बहुत सारे जो रजोगुण से ही काम ज्यादा संपन्न होते हैं सतगुण जब तक सतगुण नहीं आएगा तब तक वो अपने आप में स्थिर नहीं हो पाएगा तो एक व्यक्ति एक पूरे दिन में सात्विक गुण से भी परिपूर्ण होता है राजसिक गुण भी उसमें आता है और तामसिक गुण से भी वो प्रेरित रहता है गुण कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन इनमें मूल जो होता है कि ज्यादातर गुण कौन सा प्रभावी रहता है जो व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है या अध्यात्म कहलाता है सात्विक प्रवृत्ति से ज्यादा रहता है इसलिए वो व्यक्ति सतगुण से प्रेरित रह करके सारी चीजें करता है और रजोगुण भी कभी आता है कभी गुस्सा भी आ जाता है कभी उसको अहंकार भी आ जाता है कभी सारी चीजें आती हैं लेकिन हम देखते हैं कि उसमें रजोगुण भी रहेगा फिर तमोगुण भी यानी कि उसको शरीर थकेगा तो उसको सोने की भी बात सोना भी चाहेगा थकान भी दूर करना चाहेगा तो तम गुण के कारण वो संभव नहीं है तो एक व्यक्ति पूरे दिन में अलग अलग रोल प्ले करता है इसलिए जो व्यक्ति का गुण सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है सबसे ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है और सबसे ज्यादा प्रभाव जिस गुण का रहता है वो ही उसका स्वभाव है तो जो सात्विक गुण वाले व्यक्ति हैं वो उसका सत्व स्वभाव है राजसिक गुण से जो परिपूर्ण है उनका राजसिक स्वभाव है और जो तमो गुण से परिपूर्ण है वो उनका तामसिक स्वभाव है और समाज में हम ऐसे ही देखते हैं कुछ लोग अपराध में इतने परिवृत होते हैं इतने परिवृत होते हैं उनको जेल होती है उनको कभी अपराध बोध नहीं होता कि हमने गलत किया है किसी की हत्या हमने गलत की कि, किसी के घर लूट मारी हमने गलत की कि, या किसी की किडनेपिंग की कि, उनको लेश मात्र भी इस बात का गम नहीं होता या दुख नहीं होता तकलीफ नहीं होती कि हमने गलत किया है क्योंकि उनका तामसिक स्वभाव है इसलिए वो दूसरे का अहित करना उनका स्वभाव बन गया है और उनको वो अच्छा लगता है जो राजसिक व्यक्ति होते हैं झूठ बोलेंगे चंचलता करेंगे इधर उधर दौड़ते रहेंगे और उनको उसमें हानि होती रहे फिर भी लेकिन वो फिर भी उसमें प्रवृत्त रहेंगे तो वो पहचान नहीं पाते क्योंकि राजसिक स्वभाव है उनका उनका जो गुण है वो राजसिक है ऐसे ही फिर जो सात्विक होते हैं वो चाहे समाज में गलत हो रहा हो चाहे सही हो रहा हो उनके साथ गलत होता है तो भी वो सबके साथ सही करते हैं और यदि सही हो रहा तो भी वो सही ही करते हैं तो ये तीनों गुण अपने अपने काम करते हैं तो ये कह सकते हैं कि क्या जो तामसिक व्यक्ति है अब ये जो नया सवाल पैदा होता है क्या वो तामसिक ही रहेगा जिस व्यक्ति का राज ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्या वो राजसिक ही रहेगा और या जो सात्विक है वो सात्विक ही रहेगा नहीं इन तीनों गुणों को चेंज किया जा सकता है इवन इन तीनों गुणों से पार भी जाया जा सकता है इसलिए जो तामसिक गुण है जो प्रभावी रहता है जो राजसिक गुण प्रभावी रहता है उसको सत गुण में कन्वर्ट किया जा सकता है पहले और वो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे योग साधना करेंगे अपने आहार को हम बदलेंगे अपने खाने पीने के तरीकों को हम बदलेंगे सोने को तरीके सोने के टाइम को बदलेंगे जागने के टाइम को बदलेंगे अरली तुवेड, अरली तुवेड, अरली तुवेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो नेचुरल सात्विक गुण प्रभावी रहेंगे अच्छा भोजन हम करेंगे दलिया खिचड़ी खीर हलवा या जो और भी जो सात्विक भोजन है जो अन्न है सूखे मेवे हैं या फिर फल फ्रूट हैं उनका हम यदि सेवन ज़्यादा करेंगे और ताज़ी चीज़ों का सेवन करेंगे तो सात्विक गुण बढ़ेगा सात्विक व्यक्तियों के साथ बैठेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा तो राजसिक तामसिक वाला भी सात्विक बन सकता है और यदि सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति राजसिक और तामसिक व्यक्तियों में बैठा रहेगा तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है इसके बाद यदि तीनों गुणों से वो परिपूर्ण है तीनों गुण हैं उसमें अंत में सात्विक आ गया सात्विक के बाद हमने प्रयास किया एक सात्विक के लिए प्रयास करेगा राजसिक और तामसिक के लिए तो प्रयास नहीं करना वो तो ऑलरेडी नुकसान करते हैं बाधा पहुंचाते हैं लेकिन जैसे सत गुण आ गया क्या वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है नहीं मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको उस सात्विक गुण से भी मुक्ति चाहिए होगी उस सात्विक गुण से भी वो मुक्त होगा तभी जाकर के उसको मुक्ति प्राप्त होगी तो कुछ समय तक हमें तामसिक से राजसिक राजसिक से सात्विक पर आना है कुछ समय सात्विक पे रह करके सतगुण से भी विमुक्त हो जाना है ये कहलाता है अध्यात्म तो हर व्यक्ति का अध्यात्म अलग अलग हो सकता है लेकिन हमें वास्तविक जो अध्यात्म है वो हमें सतगुण और सतगुण से भी परे होना है मूल स्वभाव क्या है आत्मा का मूल स्वभाव क्या है वो तो निर्विकार है तो निर्विकार कैसे होंगे जब हम सतगुण को भी छोड़ देंगे तब हम निर्विकार होंगे और निर्विकार होंगे तभी हम परमात्मा में लीन हो सकते हैं इससे पहले नहीं इसके बाद कहा जिस कारण से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उसे ही कर्म कहते हैं जो प्राणियों की उत्पत्ति का जो आधार है वो कर्म है जो कर्म है कर्म क्या कहलाता है सामान्यतः हम देखें कोई व्यक्ति बिना कर्म के ले क्षण मात्र भी नहीं रह सकता कोई कहे कि चलिए मैं कुछ नहीं कर रहा अब मैं खाली बैठा हूँ वो खाली नहीं बैठा होता कर्मेंद्रिया ज्ञानियाँ काम कर रही हैं प्राण अपना काम कर रहा है तो खाली नहीं है बिल्कुल भी वो लेकिन कहने में वो कह सकता है मैं खाली हूं लेकिन खाली नहीं होता कोई व्यक्ति सोच रहा है चिंतन चल रहा है मनन चल रहा है या कर्मेंद्रिया जैन इंद्रिया मन अपना काम कर रहा कोई ना कोई काम कर रहा होता है तो इसलिए जो प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उसे ही कर्म कहते हैं अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति का जो मूल आधार है वो कर्म ही है इसके बाद कहा सभी देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन जो भी इस जगत में नाशवान है वह अधिभूत कहलाता है अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अधिभूत किसे कहते हैं सामान्यतः तो हम पंच महाभूतों को अधिभूत कहते हैं जिसमें हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच तत्व होते हैं इनको भूत कहते हैं पंचभूत इनको कहा है यह अधिभूत कहा है जो जगत में नाशवान है नाशवान यानी कि जिसका नष्ट होने की पूरी संभावना है आज नहीं कल कल नहीं परसों नष्ट होगा ही होगा जैसे शरीर के बारे में कहते हैं ना शरीरिये इति शरीरम जिसका प्रतिष्ठ नाश होता रहे वो शरीर है तो अधिभूत वो है जिसका नाश संभव है तो अधिभूत में क्या क्या आ गए हमारा पूरा शरीर आ गया हमारी कर्मेंद्रियाँ आ गई हमारा मन आ गया हमारा चित्त आ गया हमारे जितने भी पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया होगी हमारा पंच महाभूत हो गए पंच तन्मात्राएँ हो गई अहंकार हो गया बुद्धि हो गई ये पूरा शरीर पूरा का पूरा शरीर हो गया ये सब के सब अधिभूत हैं पेड़ हैं पौधे हैं जो भी दृष्टिमान चीज है जो दृश्य जो दिखाई दे रही है वो सब अधिभूत कहलाता है और अधिभूत यानी कि जो दिखाई दे रही है वो नष्ट होने की उसकी संभावना पूरी है और वो आज नहीं कल कल नहीं परसों जितने भी टाइम के बाद होगी वो नष्ट होगी तो अधिभूत का अर्थ है जो भी दृश्यमान है जो भी दिखाई दे रहा है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है वो क्या है अधिभूत कहलाता है जिसका नाश होता है और कहा इस नाशवान जगत में जो अधिष्ठाता पुरुष है वही अधिदेव है अधिष्ठा अधिष्ठाता कौन हो गया और पुरुष कौन हो गया पुरुष मतलब आत्मा वही अधिदेव है तो इस नाशवान शरीर में जगत में जो अधिष्ठित है इस शरीर ये शरीर क्या है नाशवान है इसका नाश होना है ये नष्ट होना है एक दिन और इसमें अधिष्ठाता यानी इसमें जो स्थित है इसमें जो बैठा हुआ है वो क्या पुरुष है वही अधिदेव कहलाता है माने जो आत्मा है वही अधिदेव कहलाती है देखिए नाशवान शरीर में और नाशवान इस जगत में एक चीज है जो कभी जिसका जो नष्ट नहीं होती वो है पुरुष यानी कि आत्मा और वो आत्मा इसलिए नहीं होती की परमात्मा का अंश होता है तो परमात्मा चेतन है आत्मा चेतन है उसके अलावा कोई भी चेतन नहीं सब जड़ है और जो जड़ है वो नाशवान है जो नाशवान है वो जड़ है इसका मतलब जो दृश्यमान है वो अधिभूत है जो अधिभूत है वो दृश्यमान है और जो दृश्यमान है उनका नाश निश्चित रूप से होता है लेकिन गजब की बात देखिए परमात्मा की व्यवस्था आप देखिए कि इस नाशवान शरीर में इस नाशवान जगत में सब कुछ जहाँ पे नाशवान है जिसको जो नष्ट हो जाना है एक ने एक दिन बाद वो सब जो जो नाश नष्ट होगा उसके अंदर ही अधिष्ठाता जो पुरुष है यानी कि वो अपने कर्म अपना अपना जो अधिष्ठित है यानी कि जो स्थित है वो पुरुष आत्मा है वो उसको अधिदेव कहते हैं आगे कहा इस शरीर इस्वर ही अधि यज्ञ हूँ अधियज्ञ कौन है ईश्वर ने अपने विषय में खुद कहा कि जो अधि यज्ञ है वो स्वयं मैं ही हूँ जो मनुष्य अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए मेरे अपने शरीर को त्याग देता है वह बिना किसी संशय यानी कि संदेह के मुझे ही प्राप्त करता है जो अंतिम सवाल है कि आपको कैसे जाना जा सकता है आपको किस प्रकार जाना जा सकता है अंतकाल में जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है इस शरीर को छोड़ रहा होता है वो व्यक्ति यदि अंतकाल में परमात्मा का स्मरण करते हुए परमात्मा का नाम लेते हुए उसका निज नाम लेते हुए ओम का स्मरण करते हुए जो अपने शरीर को त्यागता है कहा कि वही व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है अब इसका यह अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति कितने ही गलत काम करे और अंत में ओम का स्मरण करते हुए परमात्मा का नाम लेते हुए वो अपने शरीर का त्याग करे तो वो मुक्त हो जाएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने जिनका माइंड इतना शार्प है कि वो इस बात को याद रख सकते हैं कि वो मुझे अंत समय पे इस तरह की बात याद आए और वो परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देंगे जिंदगी भर उन्होंने गलत कार्य किए तो वो क्या वो भी मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल नहीं तो यहाँ कहा कि मेरा स्मरण करते हुए कोई अंत काल में ही स्मरण नहीं करता यानी कि अंत काल में स्मरण का अर्थ यहाँ पे केवल इंगित किया गया है यानि कि जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति से युक्त है और जिसने हमेशा अच्छे काम किए हैं और जिसने ईश्वर प्रणिधान का पालन किया है वही परमात्मा को प्राप्त होता है ये यह यहाँ पे हमने जान लेना चाहिए फिर कहा या ये कौन हे कौन थे मनुष्य अंत काल में जिस जिस प्रकार के भाव का स्मरण करता अपने शरीर को त्यागता है वो उस उस भाव भाव के प्रभाव से वह मनुष्य उसी भाव को प्राप्त हो जाता है ये बड़ी गजब की बात यहां पे देखिए अंतकाल में कौन किस चीज का स्मरण कर रहा है अब आप देखिए आपने किसी मरने वाले को देखा हो हॉस्पिटल में जाते हैं कोई चिल्ला रहा होता है कोई रो रहा होता है कोई अपने बच्चों को याद कर रहा होता है कोई अपने प्रिय को याद कर रहा होता है कोई प्रॉपर्टी को याद कर रहा होता है कोई ये सोच रहा होता है कि मैं मेरा को कुछ हो गया तो मेरे घर का क्या होगा मेरे पैसों का क्या होगा तो उसके अन, जो भाव हैं वो अलग ही चलते रहते हैं कोई दुख से पीड़ित है कोई दर्द से पीड़ित है किसी को कुछ दिक्कत हुई है तो अंत समय पे जिस जिस प्रकार का भाव उसको होता है उसी भाव को प्राप्त हो करके उसको उसी भाव को प्राप्त हो जाता है अब एक कॉमन सी बात आप देखिए जब भी कोई हो छोटा हो बड़ा हो जैसे ही मृत्यु का संकेत आता है यानी कि मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हैं और दुर्घटना होने के चांसेज हो जाए तो एकदम से भयभीत हो जाते हैं क्योंकि मौत का जो डर है यानी कि मृत्यु जो है वो हमें डरा के रखती है क्योंकि इससे पहले भी कभी ना कभी मृत्यु हुई है तो उस मृत्यु के संबंधित जो भी लक्षण है वो यदि प्रकट होना शुरू हो जाए एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं यदि एकदम से हम बॉडी नमने आना शुरू हो जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं या कोई हमारी तरफ बंदूक कर दे तो हम एकदम से चिंतित हो जाते हैं क्योंकि जो मौत का भय है वो हमारे संस्कारों में व्याप्त है तो वैसी चीज सिचुएशन हम देखते हैं तो हम व्याकुल हो उठते हैं इसलिए कहा गया है कि जो अंत समय पे जिस प्रकार का भाव होता है वो उसी को प्राप्त होता है हाँ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मरने का जो डर है वो जिंदगी भर बना रहता है और अंत समय में भी वो रहता है और अंत समय पे भी वो भय उनका स्पष्ट रूप से होता है उनके उसमें संस्कारों में इसलिए लोग मरने से सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि मौत का आ, आ, मौत जो हुई है उसका जो दर्द है तकलीफ है जो शरीर को छोड़ने का जो भाव है वो उसको कहीं ना कहीं दुखी और परेशान करता है इस प्रकार ये सात प्रश्न थे जिनके उत्तर दिए गए एक बार फिर से ब्रीफ कर देते क्या है अक्षर ही ब्रह्म है यानी अविनाशी है जो अध्यात्म क्या है मनुष्य का मूल स्वभाव ही उसका अध्यात्म है कर्म क्या है प्राणियों की उत्पत्ति का आधार ही कर्म है अधिभूत क्या है जो नाशवान है वही अधिभूत है अधिदेव कौन है पुरुष आत्मा ही अधिदेव है अधि यज्ञ कौन है पुरुषोत्तम यानी कि ईश्वर ही अधि यज्ञ है पुरुषोद्वारांत काल में आपको कैसे जाना जा सकता है स्मरण करने से परमात्मा का जब हम स्मरण करते हैं तो ये सात सवाल हैं जो प्रारंभिक उसमें अक्षर ब्रह्मयोग में पूछे गए और उनका आंसर भगवान श्री कृष्ण ने दिया आशा करता हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इसके नोट्स बना करके परीक्षा के लिए उपयोगी भी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं इस व्याख्यान में इतना ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते